नमस्कार विचार ने तो अपने चैनल में स्वागत है भाई सभी का। तो आज एक नॉर्मल सा टॉपिक करेंगे जो कि कोई लगभग मेरे ख्याल में तो कोई भी नहीं कराता है, क्योंकि और इसी पे सारा मैथ टिका है अपना कि भाई जो बेसिक्स फॉर्मूले हैं अपने वो हमने पता होने चाहिए हमने पूरा पूरा मैथ करने के लिए। तो जो भी फॉर्मूले बता रहे हो भाई सारे के सारे एडवांस मैथ करने के लिए यूज़ होते हैं, अर्थमेटिक में वैसे इनका कोई यूज़ नहीं है। तो पहले बताऊँगा अल्जेब्रा के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद नंबर सिस्टम के जितने भी फॉर्मूलेज हैं। तो वीडियो के साथ बने रहना भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिल्कुल नॉर्मल जो फॉर्मूले होते हैं अपना सबसे पहले आता है भाई अपने पास, पहला लिख लेते हैं हम ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। तो जो भी भाई बंदा देख रहा है तो अपनी कॉपी और पेन उठा कर बैठना और साथ साथ में नोट करते चलना, आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है भाई हमारे पास a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास a माइनस में b का होल स्क्वायर, ठीक है। a माइनस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, बस यहाँ पे जहाँ प्लस था इसमें यहाँ पर माइनस आ जाता है। तो a प्लस b का होल स्क्वायर और a माइनस b के होल स्क्वायर में ये फर्क होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है अपने पास a माइनस में b और a प्लस b, इसका फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस b, a माइनस में b और a प्लस b ये आगे पीछे हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है अपने, ठीक है। तो ये a प्लस b आगे भी हो सकता है और a माइनस में b पीछे भी हो सकता है। तो इसको हम कैसे ऑपरेट करते हैं, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर, स्क्वायर की वैल्यू बताओ भाई a को, तो अगर हम दो बार मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो हम उसको a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा था ये। उसके बाद चलते हैं भाई अपने पास चौथे फॉर्मूले पर जो कि आता है क्यूब वाला। तो अगला है a प्लस में b का होल क्यूब, तो ये होगा भाई अपना सिंपल a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3a और b और ब्रैकेट के अंदर a प्लस में b। तो ये होगा भाई a प्लस में b का होल क्यूब का अपना फॉर्मूला। उसके बाद फिफ्थ a माइनस में b का होल क्यूब, इसमें क्या होता है a क्यूब माइनस में b क्यूब, सब कुछ माइनस में चलेगा, वो सुपर आने का माइनस 3ab a माइनस में b। तो ये होगा a माइनस में b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब माइनस में b क्यूब माइनस में 3ab a माइनस में b। उसके बाद छठा आता है अपने पास a प्लस में सॉरी a क्यूब प्लस में b का क्यूब। तो ये कैसे ऑपरेट होता है, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए बी, समझ गए भाई। ए क्यूब प्लस में बी क्या होगा, ए प्लस में बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसमें यू वाला माइनस का हो जाएगा माइनस का ए बी। उसके बाद अपने पास सेवंथ फॉर्मूला है ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, तो इसका होगा ए माइनस में बी ब्रैकेट के बाहर और अंदर वाला सारे का सारा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी। इसमें देखो सारा प्लस का था, बस इस ब्रैकेट में माइनस का ए बी आ गया था, इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसमें बाहर हमने माइनस का ले लिया ए माइनस बी और ब्रैकेट के अंदर सारे का सारा कर दिया हमने प्लस। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला होता है और आपने कही ना भाई उसमें देख भी नहीं रखा होगा, तो ये हमारा अलजेब्रा में यूज होता है और कई जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है उसमें भी यूज होता है। तो फॉर्मूला क्या है देख लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ए क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब माइनस में थ्री ए बी सी बराबर किसके होता है, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट और एक होता है कि स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए, समझ गए सॉरी। और ये चीज किसके बराबर और होती है, वन बाय में टू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ए माइनस में बी का होल स्क्वायर प्लस में बी माइनस में सी का होल स्क्वायर प्लस में सी माइनस में ए का होल स्क्वायर, समझ गए भाई। अब आप इसका हमने क्या पता लगता है, ये देखो ये वाला जो फॉर्मूला है इसके बराबर भी हो सकता है और ये इसके बराबर भी हो सकता है, समझ गए। बात देखो a प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी दोनों में कॉमन है, तो हमने क्या पता लगता है कि भाई हम दो एक चीज़ निकाल सकते हैं कि वन बाय में टू ए माइनस में बी का
होल स्क्वेयर प्लस में बी माइनस में सी का होल स्क्वेयर प्लस में सी माइनस में ए का होल स्क्वेयर किसके बराबर होता है? ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी। तो यहां से हमने तीन चीज पता लग गई है, समझ गए। तो अगर इन फॉर्मूला का भाई यूज भी कराऊंगा मैं, आज से एडवांस मैथ की क्लास लिया करूंगा तो इन फॉर्मूला का यूज भी करेंगे अपन। मेन बात है हमने पहले यहाँ पे इनके फॉर्मूले हमने लर्न करने हैं। तो इसमें एक कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा यूज होता है कि भाई वो कह देता है अगला कोई भी ए प्लस में बी प्लस सी अगर जीरो हो जाता है, जैसे ये वाली वैल्यू है अगर ये जीरो हो जाती है तो क्या आएगा? देखो भाई ये इसके साथ जीरो, ये मल्टीप्लाई का साइन है बीच में, तो ये वाली अगली वाली टर्म भी जीरो हो जाएगी। तो क्या होगा? ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बराबर हो जाएगा फिर थ्री ए बी सी, क्योंकि ये सारी सारी इस टाइम में जीरो होगी। तो ये वाला ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब बन जाएगा थ्री ए बी सी के बराबर। उसके बाद देखो भाई चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, नंबर सिस्टम की है जो कि, तो चाहे एक बार तो चाहे तो इनका स्नैपशॉट ले लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो इसका, और आप अपने बाद में इसमें कॉपी में नोट कर लेना। इसके बाद चलते हैं भाई अगली स्लाइड, उसके बाद करते हुए नंबर सिस्टम के फॉर्मूले सारे के सारे, जैसे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पेपर में तो उसके हम फॉर्मूले करेंगे। तो पहला जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है हमारे पास, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पता होगा भाई आपके वन से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक कहीं भी तक भी जा सकते हैं। तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर जो कि 1, 2, 3, 4, इनका सम जैसे 1+2+3+4+5 up to so on n terms तक, तो इसका जो सम होता है हम उसकी फॉर्म को क्या लिखते हैं, n n प्लस वन बाय में टू, समझ गए इतनी बात, n n प्लस वन बाय में टू। जैसे यहाँ तक दे रखा है सिर्फ चार तक दे रखा है, तो n वैल्यू हो जाएगी हमारे पास चार, तो इसका सम कितना हो जाएगा, एक दो तीन चार तक कितना हो जाएगा n, जो कि है चार, n प्लस वन हो जाएगा चार और एक पाँच, और बटे में हो जाएगा दो, जो कि बन जाएगा हमारे पास 10 के बराबर। तो हमने फॉर्मूला नोट कर लेना है, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला क्या हमारे पास, n n प्लस वन बाय में टू। उसके बाद सेकंड फॉर्मूला आता है भाई सम ऑफ ओड नंबर्स, सम ऑफ ओड नंबर पता होगा भाई आपने, 1, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 up to 100, ठीक है। तो इसका जो सम होता है वो बराबर होता है इसका फॉर्मूला n स्क्वेयर के बराबर। जैसे कोई भी टर्म मान लेते हैं 1+3+5+7+9 दे रखे हमारे पास, समझ गए बात। तो इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स देखनी है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, 1, 2, 3, 4 और 5। n का मतलब होता है भाई नंबर ऑफ टर्म्स, इसमें भी देखो चार टर्म थी तो हमने n की वैल्यू चार ली थी, समझ गए। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, समझ गए। और अगर कोई भी ज़्यादा वैल्यू दे रखी हो तो हमने क्या लगे, जैसे 1, 3, 5, 7 up to कहाँ तक दे रखे हो, 101 तक दे रखा हो, 101 तक देगा, तो भाई हमने कैसे पता लगेगा भाई इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो क्या करना होता है भाई, जो लास्ट टर्म आती है ना उसमें 1+ ऐड करके, 1 ऐड करके डिवाइडेड बाय में 2 कर देते हैं। तो जैसे आएगा 102 डिवाइडेड बाय में 2, 2 जा 2, 5 जा 10, 2 1 जा 2। तो इसमें अगर 1 से लेकर 101 तक आ जाए तो इसमें क्या करेंगे, 1+ करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएंगी, 1 से लेकर 101 में 1, 3, 5, 7, क्योंकि देखो इसमें बीच बीच में एक एक्सर छोड़ रखा है, तो 51 हो जाएंगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और फॉर्मूला हो जाएगा इसका एन स्क्वायर। तो हम देखते हैं 1, 3, 5, 7, 9 तक, अब तो इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी, देखो क्या करेंगे 9+1/2 कर देंगे, कितना आ जाएगा 5, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने आएंगे 5। वैसे भी गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, तो n हो गया 5, तो 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, ठीक है भाई। एक एग्जांपल की तरह समझाया था मैंने, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने समझ में आ गया। देखो वैसे भी आप ऐड कर सकते हो, ये क्योंकि ये तो छोटी टर्म अभी, 3 और 1 4, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 9 25, ठीक है, तो अपना आंसर ठीक आ रहा है। उसके बाद तीसरी फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, तीसरे फॉर्मूले में क्या कहता है कि भाई सम ऑफ इवन नंबर्स,
समझ गए भाई बात, सम ऑफ इवन नंबर्स, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा एन एन प्लस वन, ठीक है। ओड के लिए एन स्क्वेयर था, नेचुरल नंबर के लिए एन एन प्लस वन बाय में टू, और इवन के लिए है एन एन प्लस वन। इवन नंबर पता हो गया कि टू फोर सिक्स एट टेन अप टू सो ऑन, तो हम टेन तक कल सम निकाल के देखेंगे भाई इसमें क्या होगा। जैसे टू फोर सिक्स एट टेन है, तो हम इसमें भी क्या करेंगे, जो लास्ट टर्म है उसको सीधा ए टू से डिवाइड कर देंगे, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स निकलेंगे। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी, टेन डिवाइडेड बाई माई टू जो कि आया फाइव, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएगी फाइव, गिन के भी देख सकते हैं एक दो तीन चार पाँच, तो नंबर ऑफ टर्म्स आएगी फाइव, तो एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी रखनी पड़ेगी फाइव, तो फाइव और फाइव प्लस वन सिक्स, तो फाइव इंटू में सिक्स किसके बराबर आ जाएगा, थर्टी के बराबर। जोड़ के भी देख सकते हैं चार दो छः, छः छः बारह, बारह आठ भाई बीस, बीस और दस तीस। तो ये थे सिर्फ एग्जांपल के तौर पर छोटी टर्म्स ली थी, इसलिए अगर आपके पास लंबी टर्म्स आ जाए या लंबी कोई भी पीजीपी कुछ भी आ जाए तो हमने ये फॉर्मूले लगाने हैं। उसके बाद चलते हैं आप अगले क्वेश्चन पर। तो दो फॉर्मूले और कराऊंगा, वैसे वो ज़्यादा नहीं कराता, जो क्वेश्चन जिस पे आते हैं वही करा रहा हूँ मैं, ज़्यादा आपका दिमाग नहीं खराब करूँगा। तो अगला क्वेश्चन जिस पे क्वेश्चन आते हैं वो होते हैं सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, मतलब वन का स्क्वेयर प्लस टू का स्क्वेयर प्लस में थ्री का स्क्वेयर प्लस में फोर का स्क्वेयर प्लस में फाइव का स्क्वेयर, इस टाइप में आपसे सम पूछ लिया है। अगर आप भाई देखो करंट बैठोगे तो बहुत आपने ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है, एन एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाय में सिक्स, ठीक है। बस एन की वैल्यू वही रखनी, जैसे इसमें तो लगातार संख्याएं आ रही हैं, लगातार प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये एन का वैल्यू आ जाएगी इसमें। अगर फाइव तक हम लगा दें तो एन की वैल्यू आ जाएगी फाइव, वो एन की वैल्यू फाइव आपने इसमें पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो उसके बाद चलते हैं आप अगले फॉर्मूले पर, जो कि अपना लास्ट फॉर्मूला है इस वीडियो का। तो ये सम ऑफ क्यूब ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, तो ये किस टाइप में होगा, देखिए वन का क्यूब टू का क्यूब प्लस में थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब प्लस में फाइव का क्यूब अप टू सो ऑन। अगर क्यूब आ जाए तो भाई देखो हमने जो फॉर्मूला पहले कराया था कौन सा कराया था, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर एन एन प्लस वन बाय में टू कराया था, बस कुछ नहीं करना, बस इसमें देखो एन की वैल्यू यहाँ तक कितनी आएगी फाइव आ गया, अगर यहाँ पर सिक्स क्यूब होता तो एन की वैल्यू कितनी हो जाती सिक्स। तो इसमें कुछ नहीं करना, हमने क्या करना होल स्क्वेयर कर देना इसके फॉर्मूले में, बस इसके फॉर्मूले में, और जो मैंने ऊपर बताया था कौन सा था सम ऑफ एन नेचुरल नंबर इसके फॉर्मूले में और इसके नीचे वाले फॉर्मूले में कितना क्या फ़र्क है, बस स्क्वेयर का फर्क है। तो इसमें क्या करेंगे, एन की वैल्यू यहाँ अगर सिक्स तक निकालना तो एन की वैल्यू सिक्स रख देंगे, सिक्स इंटू में सेवन, क्योंकि एन प्लस वन हो जाता है सेवन बाय में टू का होल स्क्वेयर, तो हम इसमें काट देंगे सात इक्कीस, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई इक्कीस का स्क्वेयर, समझ गए बात भाई। तो ये थे जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज थे आपके एग्जाम में यूज़ होते हैं, तो एक वीडियो जो आपने कंपाइल करके बता दिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना ना जाइए। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। तो हाउ टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स या टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, आपको एक नंबर दे देगा, जैसे यहाँ पे दे दिया 240 नंबर दे दिया, तो इसके बारे में कह देगा भाई इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताओ, ओड फैक्टर्स बताओ और नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स बताओ और या इसके प्राइम फैक्टर्स बताओ। तो आपको वो कैसे निकालना है वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। तो हम क्या करते हैं भाई, हमने 240 नंबर ले लिया कोई भी, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको स्टार्टिंग में बना लेते हैं इसके फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, टू से सबसे छोटा नंबर, जैसे टू है टू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम टू से इसके फैक्टर बनाएंगे, तो डिवाइड करेंगे टू वन जा टू, टू टू जा फोर टू, ठीक है, जीरो का जीरो ऐसे कर जाए, तो टू सिक्स जा ट्वेल्व सिक्सटी पे चला जाएगा, फिर उसके बाद चला जाएगा भाई थर्टी पे, उसके बाद चला जाएगा फिफ्टीन पे, उसके बाद जाएगा फाइव पे और फिर उसके बाद जाएगा थ्री पे। तो अगर हम 240 को लिखें भाई तो इसके फैक्टर्स बनते हैं दो की पावर कितनी, एक एक दो तीन चार और चार, ठीक है, तो दो की पावर तो होगी चार मल्टीप्लाई बाय फाइव की पावर वन इंटू में थ्री की पावर वन, समझ गए भाई यहाँ तक। अगर किसी ने कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। तो पहली बात आती है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे इसके, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमने क्या करना पड़ता है भाई, देखो हर किसी की पावर
जैसे 4 की पावर कितनी है, सॉरी 2 की पावर कितनी है, 4, तो 4 में क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे, समझ गए इतनी सी बात। उसके बाद 5 की पावर कितनी है, 1 है, तो उसको भी ऐड कर देंगे। 3 की पावर कितनी है, 1 है, उसमें भी कितना ऐड कर देंगे, 1 ऐड कर देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाते हैं हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। ये हो गया हमारे पास 5, ये हो गया हमारे पास 2, और ये हो गया हमारे पास 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास यहाँ से 240। तो 240 जो नंबर दिया गया हमें, उसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकलेंगे, बस जो भी पावर दे रखी, जैसे 2 की पावर 4 है, तो क्या करेंगे, 4 में 1 ऐड करें, मल्टीप्लाई बाय में 5 की पावर, जितने भी भाई इसके फैक्टर्स बनेंगे उसी की पावर में एक एक ऐड कर देना। 5 की पावर 1 है तो उसमें भी 1 ऐड कर देना है, उसके बाद 3 की पावर 1 है उसमें भी 1 ऐड कर देना है, और मल्टीप्लाई करके लिख देना। ये बन गया भाई 5 इंटू में 2 इंटू में 2, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स बनेंगे हमारे पास यहाँ से 20। तो एक क्वेश्चन तो हमारा गया से सोल्व। उसके बाद दूसरी बात आती है भाई टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स का मतलब देखो, ओड नंबर क्या होते हैं भाई, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 जो भी है, तो ओड फैक्टर्स हैं। इसमें आप ना देखने भाई ओड नंबर्स, जो भी उसके फैक्टर्स होंगे तो उसमें ओड नंबर देख लो। तो इसमें देखो भाई 2 तो इवन नंबर है, तो ओड क्या हो गया, 5 हो गया, और 1 हो गया 3, समझ गए। ओड फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने जो भी हमारे पास ओड नंबर है उनकी पावर में क्या क्या करना पड़ेगा, वो ये सिंपल, पहले आड़ा रूल, एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड करें, और 3 की पावर 1 है तो उसमें 1 ऐड करें, और मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना बनेगा, 2 इंटू में 2, जो कि बन गया है 4 के बराबर। उसके बाद अगली बात आती है नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स। ये देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल गए, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकल गए, तो इवन फैक्टर बता सकते हो भाई कितने होंगे, तो 20 में 4 गए 16, तो ये बच गए अपने पास इवन फैक्टर। इसके लिए अलग फॉर्मूला अलग से करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे करवाते हैं लेकिन मैं नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, ओड फैक्टर्स का हमें पता है, तो क्या करेंगे 20 में 4 घटा देंगे, 16 आ जाएगा सीधा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल बात आती है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। देखो इसकी कितनी है, 2 की पावर 4 है इंटू में 5 की पावर 1 है इंटू में 3 की पावर 1 है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या करने हैं भाई, सबसे आसान है टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालना, जो भी पावर है ना इनकी उनको सारे को ऐड कर दो, जैसे 4 प्लस 1 प्लस में 1, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आ गए, 4 और 1 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए इसके 6, समझ गए भाई। दोबारा एक बार रिवाइजन कर देता हूँ वीडियो के लास्ट में, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स में क्या करना पड़ता है, जो भी पावर है उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे 4 प्लस 1 1 प्लस 1 1 प्लस 1, या थी 2 की पावर, या थी 5 की पावर, या थी 3 की पावर, उसमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दिए और जोड़ दिए। उसके बाद बात आती है टोटल नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स। ओड फैक्टर्स में क्या होता है, ओड नंबर लेने होते हैं और उसकी जो पावर होती है उसमें 1 1 ऐड करके मल्टीप्लाई कर देने होते हैं, तो 1 1 ऐड करें इसमें और मल्टीप्लाई कर दे तो 2 2 4 हो गया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकलेंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स निकलेंगे, तो इवन फैक्टर निकालने की क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में तो ओड फैक्टर निकाल दो, तो सारे के सारे इवन ही बचेंगे, तो मुझे पता है इस बात का। उसके बाद फोर्थ पॉइंट हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स में कुछ नहीं करना, जो भी इनकी पावर होगी उनको सारा कुछ सीधा का सीधा ऐड कर देना, उसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करना। तो 2 की पावर 4, 5 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 4 और 1 5 और 1 6, तो ये पावर ऐड होगा बन गई 6। तो ये थे हमारे पास सिंपल सा टॉपिक। वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई। इसके बाद और भी वीडियो लेकर आऊँगा जो कि एडवांस मैथ पे बेस्ड होंगी, क्योंकि हमारा हरियाणा पुलिस का पेपर आने वाला है और सारे ही सारे भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो ये जरूर लेकर आऊँगा। अगर आने वाली वीडियो में अपना रिमाइंडर थ्योरम और जो भी एडवांस मैथ की जैसे ज्योमेट्री होगी, ट्रिग्नोमेट्री होगी, इनकी वीडियो आपको देखने को मिलेंगी। धन्यवाद भाई यहाँ तक देखने के लिए, और वीडियो ने शेयर जरूर कर देना। ICS कोचिंग सेंटर के सारे नोट्स की वीडियो अपने चैनल पर पड़ी है, तो जिसने भाई नहीं देखी है और आपने ICS कोचिंग सेंटर का मैथ का नोट्स करना जो कि सोनीपत में मेन ब्रांच है, तो आप हमारे चैनल पर देखकर सबको धन्यवाद। देखने के लिए जय।